देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डेस्कटॉप है और जब हम इसकी पावर ऑन कर रहे हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो स्क्रीन है हमारी, ये ग्लिच होकर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले काम क्या कीजिए, अपने जो डेस्कटॉप की पावर है उसको आप ऑफ कर दीजिए। पावर को ऑफ करने के बाद अब आप जब CPU को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको वहाँ पर मदरबोर्ड दिखेगा। और यहाँ पे जो आप ये दो स्लॉट देख रहे हैं येलो कलर के, ये रैम के स्लॉट हैं और इस पे दो रैम फिलहाल इस डेस्कटॉप में लगी हुई है। तो हो सकता है आपके मदरबोर्ड पे एक ही रैम का स्लॉट लगाओ तो आपको यहाँ पे एक ही रैम का स्लॉट नज़र आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अभी इस रैम को बाहर निकालना है स्लॉट से और इसको क्लीन करना है। तो बाहर निकालने के लिए जो वाइट कलर का लॉक देख रहे हैं, जब आप इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे तो रैम एक साइड से बाहर आ जाएगी। सेम ऐसे ही आप जब दूसरी साइड से पुश करेंगे तो दूसरी साइड से भी रैम बाहर आ जाएगी। फिर इस रैम को आप बाहर निकाल लीजिए कुछ इस तरह से। रैम को बाहर निकालने के बाद आप ये देखिए, ये जो कॉपर कलर के आपको जो सर्किट दिख रहा है, यही जो है रैम के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो इसको आप कॉटन के कपड़े से इसको आप क्लीन कर लीजिए। और जो आपके मदरबोर्ड पे स्लॉट है, ये जो येलो कलर का जो स्लॉट है, इसको आप ब्रश से क्लीन कीजिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ये आप वैक्यूम क्लीनर से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, रैम को उसी तरह स्लॉट में लगा दीजिए जिस तरह से आपने इसको बाहर निकाला था। और ये रैम जो है सीधी कैसे लगेगी, ये पता करने के लिए आप बीच में एक कट देख रहे हैं, तो आप ये कट को स्लॉट वाले कट से मिलाइए, क्योंकि ये रैम उल्टी नहीं लगेगी। लेकिन आप जबरदस्ती लगा देंगे तो लग भी जाएगी, तो आपको थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है, रैम उल्टी नहीं लगनी चाहिए। तो जब आप रैम स्लॉट में लगाते हैं तो आपको वो कट को मैच करा लेना है और एक साइड से पुश करना है नीचे की तरफ, तो लॉक बंद होने की आवाज़ आएगी और लॉक अंदर चला जाएगा। सेम ऐसी दूसरी साइड से भी आपको करना है, तो आपकी जो रैम है वो स्लॉट में प्रॉपर फिक्स हो जाएगी। अगर किसी वजह से ये लॉक नहीं बंद हो रहा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपने रैम उल्टी लगा रहे हैं, या फिर स्लॉट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर लॉक में कोई प्रॉब्लम है। तो जब आप प्रॉपर तरीके से रैम को स्लॉट में लगा देते हैं, ऐसे ही आपको दूसरी वाले रैम को भी निकाल के क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको CPU की पावर ऑन करनी है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, हमारी जो पहली प्रॉब्लम आ रही थी, जो स्क्रीन ग्लिच होके आ रही थी और स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा था प्रॉपर तरीके से, यानी कि डिस्प्ले नहीं आ रहा था, वो प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि वो प्रॉब्लम रैम की वजह से आ रही थी। तो ये फ्रेंड्स ज़्यादातर मानसून में होता है, जब आपका वेदर चेंज होता है उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो आप इसको सिंपली है रैम को क्लीन करके आप दोबारा रैम जब लगाते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप इसी तरह के टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल टेक्नो चैटरूम को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।